हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन वेरी वेरी क्लियरली एंड थॉरली। एंड सीइंग यू आई थिंक लाइक योर स्टडीज आर गोइंग वेरी प्रोग्रेसिव मोड। यू आर ऑल सीरियस कैंडिडेट, यू नो अबाउट द क्लास इंपॉर्टेंस एंड देयर स्ट्रेटजी for the examination. I hope you are very, very aware for your examination and the class is going to progressive mode for your completion of the syllabus. This class of biomolecules is very important for your examination. As a serious candidate, you can realize it. The topics which we are dealing here on YouTube, like biomolecules, give you a lot of importance for your examination. If you think this topic is very important for you, it is really good to you and for your examination also. दोस्तों, यहां पर examination को ध्यान अगर दें तो आपका सबसे पहला कदम, अगर मैं आपसे पूछूं कि what are you doing now this time, तो your answer will be, sir, I am in full josh and high energy power and I try my best to complete all the classes and all the old classes which you have completed last several days. आप में से सभी students ये चीज जानकर चल रहे हैं कि आप सभी का जो strategy है, जो plan है, day by day revision का concept clear करते हुए चल रहा है। You all are MSc and B.Ed and B.Sc graduate. And you all think that your examination demand which type of preparation. We can't ignore the topics which are very, very important for your examination. So we all are ready for this class because this topic of biomolecules demand you a lot of concept. If you have concept, you can tick your answer in correct manner. I hope you all realize this. Or मैं ये भी आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से अपने टॉपिक को तैयार कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने आपसे बात की थी एंजाइम के एक्टिव साइट की और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एंजाइम के एक्टिव साइट से बेहतरीन तरीके से परिचित होंगे। सेकंड और इंपॉर्टेंट टॉपिक में हमने आपसे बात किया था एक्शन ऑफ एंजाइम की। जब हमने आपसे एक्शन ऑफ एंजाइम की बात की तो मुझे लगता है कि वो भी टॉपिक आपका क्लियर होगा। आज हम बात करेंगे आपसे एंजाइम्स के फीचर्स की, आज हम बात करेंगे आपसे एंजाइम्स के फैक्टर्स की कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं या प्रोग्रेसिव मोड में लाते हैं, कौन कौन से फीचर्स हैं जो एंजाइम को दूसरे से डिफरेंट बनाते हैं। इन सभी कॉन्सेप्ट को हम लोग बेहतरीन तरीके से समझेंगे और आशा करेंगे, उम्मीद करेंगे कि आपका यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आप सभी लोग जानते हैं हम बायो मॉलिक्यूल्स के एंड अप तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो लिपिड होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन आज की क्लास में शुरू के हमने 20 क्वेश्चंस रखे हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी कभी टीजीटी में पूछे जा सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग एक सरसरी नजर में देखेंगे 10 से 15-20 मिनट में। उसके बाद हम अपने आप टॉपिक पर आएंगे और आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर करेंगे और उम्मीद करेंगे कि उस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी क्लास को और सभी लोग तैयार रहें इस क्वेश्चन की सीरीज के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप में से जो कैंडिडेट हैं, वन हु आर इंटरेस्टेड, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, वन हु फील्स लाइक दैट दिस क्लास इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, आप में से जो भी लोग समझते हैं कि आपके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है, यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप। तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। यू ऑल नोन पर्सनालिटी, यू नो एवरीथिंग व्हाट योर एग्जामिनेशन डिमांड। ऑल द कैंडिडेट्स हु आर इंटरेस्टेड फॉर टीजीटी एंड पीजीटी एग्जामिनेशन कैन व्हाट्सएप मी एट दिस नंबर। All the details are provided to you in your WhatsApp number. If you feel better, then take admission
in this institute, the Bio and Civil Junction. That institute is for you and for your success. This exam oriented batch demands a lot of class for the examination. In this way, I have tried my best and giving you all 5 classes. First class at 9:30 a.m. related to lower botany. Second class at 11:10 a.m. related to plant physiology. Third class at 5:40 p.m. related to non-cordate. Next class 7:10 related to plant embryology. And last class at 8:30 p.m. You all know this class demand biomolecules. In those manner, I have tried to give you a lot of subjective knowledge as well as MCQs questions for your examination. You all know my schedule. Monday to Friday, I will give you theory classes, and Saturday and Sunday, I will provide you a successful practice demands for your examination. I hope you all understand this point. आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो वो इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें और आपकी डिटेल मिल जाएगी. यू ऑल नो दिस डिटेल नंबर डेल्ड बाय ओम सर एंड ही आंसर्ड यू एट यू सेंड योर स्क्रीनशॉट ऑफ फी डिपोजिशन. ही इज एक्टिव टिल 1 AM इन नाइट. इफ यू सेंड योर मैसेज देन ही ज्वाइंड यू इन द क्लास. Seeing you, your enthusiasm and your energy level. तो हम कह सकते हैं कि आप में से जो interested हैं वो सभी लोग इस पर WhatsApp करें और अपने fee deposition की fee receipt भेजें. Admission की प्रक्रिया रात को 1 बजे तक चलती है. Who first used the term enzyme? Let us start your class with the MCQs questions. I hope आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से इसका answer करेंगे. क्लियर जी. आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर. ऐसे क्वेश्चन को हम सिर्फ इसलिए डील करते हैं कि कहीं धोखे से ये क्वेश्चन आपके छूट ना जाए. हु फर्स्ट यूज द टर्म एंजाइम. एंजाइम टर्म को पहले किसने यूज किया था? उम्मीद करते हैं आप में से बेहतरीन आंसर देने वाले लोग बी आंसर कर रहे होंगे. कून्हे का नाम कौन नहीं जानता. आई होप ऑल यू नो एंड गिविंग यू करेक्ट आंसर. बहुत अच्छे, वेरी गुड. लगभग सभी लोगों का आंसर यहां तक का मामला सही बताने के लिए है. बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर. हु क्वाइंड द टर्म जाइमेज फॉर एंजाइम इन ईस्ट. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा और आंसर करने की कोशिश करिएगा. Who coined the term zymase? Zymase term किसने coined किया था for enzymes in East में enzyme zymase term किसने use किया था? कून्हे ने, लुईस पाश्चर ने, समनर ने, एडवर्ड बुचनर ने. बताने की कोशिश करिएगा और मुझे लगता है कि zymase शब्द का जैसे ही use पूछा जाएगा आप सभी लोगों का आंसर आएगा, सर इस शब्द को use किया था एडवर्ड बुचनर ने. किसने यूज किया था? एडवर्ड बुचनर ने इस शब्द को यूज किया था. और मुझे आशा है कि आप में से सभी लोगों का आंसर 100% करेक्ट आ रहे होंगे. जी, क्लियर टू ऑल. नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनको नहीं आएंगे अपनी कॉपी में नोट करते हुए जाएंगे. एंजाइम्स आर बेसिकली एंजाइम्स कंटेन. एंजाइम्स आर बेसिकली ऑल एंजाइम्स कंटेन. आप बताएंगे एंजाइम्स क्या होते हैं और एंजाइम्स में क्या होता है. सुगर्स होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं, फैट्स होता है या फिर विटामिन्स होता है. तो आप सभी के आंसर आएंगे कि एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन. एंजाइम बेसिकली क्या होते हैं? तो आप सभी का आंसर आ रहा होगा, सर एंजाइम बेसिकली प्रोटीन होते हैं. क्या होते हैं? एंजाइम बेसिकली प्रोटीन होते हैं जो आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रखता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन. एंजाइम्स आर प्रोटीन. इट वॉज सजेस्टेड बाई कौन साहब थे जिन्होंने बताया कि एंजाइम्स आर प्रोटीन. सभी एंजाइम्स जो हैं ये प्रोटीन होते हैं. इसको सजेस्ट किसने किया था? अब मुझे लगता है कि आप में से सभी लोगों का
बेहतरीन आंसर आएगा। इट वॉज सजेस्टेड बाय समर, किसने? सुमनर ने इसको सजेस्ट किया था। किसने सजेस्ट किया था तो आप बताएंगे सर, सुमनर ने इसको सजेस्ट किया था। हमारे टाइपिस्ट महोदय ने यहां समर लिख दिया है, थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा। इसको सुमनर ने सजेस्ट किया था। किसने? इसको सुमनर ने सजेस्ट किया था। आई होप ऑल आर यू क्लियर्ड, आप सभी लोग इस पॉइंट पर क्लियर होंगे कि इसको सुमनर ने क्या किया था, इसको सुमनर ने सजेस्ट किया था। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप कुछ साइंटिस्ट का नाम जानते हुए चल रहे हैं और मैं आशा करता हूं, उम्मीद रखता हूं कि सही समझ रहे होंगे। हु गॉट द नोबेल प्राइज वर्किंग ऑन एंजाइम इन द ईयर, इसमें से कौन थे जिन्होंने एंजाइम पर वर्क करते हुए उनको नोबेल प्राइज दिया गया था? कौन थे? हु गॉट द नोबेल प्राइज वर्किंग ऑन एंजाइम्स इन द ईयर 1978? डब्ल्यू आर्बर एंड डी नाथन्स, नास एंड नास, आर मिश्रा, एच जी खोराना। किसने, किसको जो है नोबेल प्राइज दिया गया था? मुझे उम्मीद है कि आप में से सभी लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा और सभी लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट तरीके से आ रहा है। जी बताने की कोशिश करिएगा। तो आप बताएंगे सर, डब्ल्यू आर्बर एंड डी नाथन्स, ऐसे क्वेश्चन आपके लिए जानबूझकर मैं लाया हूं कि ये क्वेश्चन क्या होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं। और इन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन को अगर हमने पूरे को अगर क्लियर किया तो मैंने देखा कि अगर ये 20 क्वेश्चन आपके सामने पहुंचा दिए जाएंगे तो आप सभी लोग इतने ज्यादा अच्छे हैं कि इनको अपने लेवल पर अपने पास संभाल कर रखेंगे, जिससे आपके एग्जामिनेशन में अगर हल्के क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप यहां से हैंडल कर लेंगे। हमने कभी सोचा भी नहीं है कि आपसे कोई क्वेश्चन छूटना चाहिए, इसलिए हर लेवल पर जाकर आपके साथ रहते हैं और चीजों को टुकड़ों में बांटकर आपके पास इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम सभी लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग में बिलीव करते हैं। अगर संख्या बढ़ानी है तो फ्रेगमेंटेशन करा दीजिए, अगर फ्रेगमेंटेशन करा देंगे तो प्रत्येक फ्रेगमेंट से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होगा, न्यू एनिमल का फॉर्मेशन होगा। दोस्तों जब फ्रेगमेंटेशन से न्यू प्लांट एनिमल का फॉर्मेशन हो सकता है तो हम अपनी तैयारी को टुकड़ों में क्यों ना करें? अगर टुकड़ों में करेंगे तो कहीं ना कहीं से प्रॉफिट जरूर होगा। हमें सीधा सीधा आपके प्रॉफिट से मतलब है, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन को बढ़ाने से मतलब है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी थ्योरी आपको समझ में आई होगी। अचानक ये प्रश्न क्यों? अचानक ये प्रश्न इसलिए कि आपको ये भी पता होना चाहिए कहीं बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे डील करेंगे। तैयारी कंप्लीट होनी चाहिए। डब्ल्यू आर्बर एंड डी नाथन्स को नोबेल प्राइज दिया गया था एंजाइम के रेफरेंस में। नेम द साइंटिस्ट, अच्छा क्वेश्चन है। नेम द साइंटिस्ट हु फॉर द फर्स्ट टाइम आइसोलेटेड एंड प्यूरिफाइड द एंजाइम यूरियेज इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन से वैज्ञानिक महोदय थे जिन्होंने एंजाइम यूरियेज को क्रिस्टलाइन फॉर्म में जैक बीन से प्राप्त किया था? कितना अच्छा, यहां जैक बीन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपके लिए यूरियेज भी इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपके लिए क्रिस्टलाइन फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाए कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में पहला एंजाइम कौन सा था? यूरियेज था। यूरियेज को किससे निकालकर बनाया गया था? जैक बीन से बनाया गया था। इसी जैक बीन को क्या कहते हैं? कैनावेलिया इंसिफॉर्मिस कहते हैं। जैक बीन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप सभी लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी का आंसर आ रहा होगा कि किसको जो है, कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने आइसोलेट किया था, और सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है कि इसको आइसोलेट करने वाले वैज्ञानिक थे सुमनर। इसीलिए सुमनर इतने चर्चा में थे क्योंकि इन्होंने फर्स्ट एंजाइम क्रिस्टलाइन फॉर्म में यूरियेज को आइसोलेट किया था 1926 में जैक बीन से। किससे? जैक बीन से इसे आइसोलेट किया था। तो एक क्वेश्चन बन सकता है, फर्स्ट क्रिस्टलाइन एंजाइम इज, आपका आंसर होगा यूरियेज। किसने क्रिस्टलाइन किया था? आंसर होगा सुमनर। तो उम्मीद करते हैं सुमनर की अच्छाई, सुमनर की बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि सुमनर क्या चाहते थे। 7 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मिडिलमैन, इसमें से किसको
बायोलॉजिकल मिडिलमैन के नाम से जाना जाता है। वेरी गुड, इसमें से किसको बायोलॉजिकल मिडिलमैन के नाम से जाना जाता है बताने की कोशिश करिएगा। इसमें से किसको बायोलॉजिकल मिडिलमैन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन विल बी हार्मोन, विटामिन, एंजाइम, ऑल द एबव। आंसर विल बी एंजाइम। आंसर क्या हो जाएगा? एंजाइम को किस नाम से जाना जाता था? मिडिल मैन के नाम से जाना जाता था। उम्मीद करते हैं कि यहां से आपका यह भी क्वेश्चन क्लियर, बायोलॉजिकल मिडिल मैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप बताएंगे एंजाइम को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन, जो कल आपने मॉडल पढ़ा था उसे लॉक एंड की मॉडल भी कहते हैं। लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन इलस्ट्रेट दैट अ पर्टिकुलर एंजाइम मॉलिक्यूल, एक पर्टिकुलर एंजाइम मॉलिक्यूल मे बी डिस्ट्रॉयड एंड रीसिंथेसाइज सेवरल टाइम्स, इंटरैक्ट्स विद स्पेसिफिक टाइप ऑफ सब्सट्रेट मॉलिक्यूल, रिएक्ट्स एट आइडेंटिकल रेट अंडर द ऑल कंडीशन, फॉर्म अ परमानेंट एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स। बताने की कोशिश करिएगा कि इसमें जो आपका एंजाइम मॉलिक्यूल होता है वो क्या करता है। तो आपका आंसर आना शुरू हो जाएगा कि एंजाइम मॉलिक्यूल जो होता है वो इंटरैक्ट करता है। किससे इंटरैक्ट करता है? तो आप बताएंगे स्पेसिफिक टाइप ऑफ सब्सट्रेट से इंटरैक्ट करता है। और सब्सट्रेट स्पेसिफिक टाइप का मतलब ये होगा कि एंजाइम जो होता है वो सब्सट्रेट जो एंजाइम से जुड़ता है, तो एंजाइम क्या करता है? एंजाइम अपने शेप और साइज को चेंज करता है। जब लूजली अटैच्ड होता है तो शेप और साइज को चेंज करता है, तो इसके कुछ देर बाद ये टाइटली अटैच्ड हो जाता है, जिससे जो आपका सब्सट्रेट होता है वो सब्सट्रेट अपने शेप और साइज को चेंज करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंटरैक्ट विद स्पेसिफिक टाइप ऑफ सब्सट्रेट मॉलिक्यूल। तो ये क्या करता है? ये इंटरैक्ट करता है सब्सट्रेट मॉलिक्यूल से। किस तरीके से? इस तरीके से। योर आंसर विल बी बी। उम्मीद करते हैं लॉक एंड की का ये मॉडल भी आपका क्लियर। एंजाइम्स वर डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन, एंजाइम पहली बार किसमें डिस्कवर्ड किया गया था? एंजाइम्स वर डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, एंजाइम को पहली बार डिस्कवर्ड किया गया था किसमें डिस्कवर्ड किया गया था? ईस्ट में, मेज में, बैक्टीरिया में, एल्गा में। बताने की कोशिश करिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप में से सभी लोगों का आंसर करेक्ट आएगा कि एंजाइम को पहली बार डिस्कवर्ड किया गया था किसमें। तो आप सभी का आंसर आएगा ईस्ट में। ईस्ट में पहली बार एंजाइम को डिस्कवर्ड किया गया था। कभी भी क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहली बार एंजाइम को किसमें डिस्कवर्ड किया गया था, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों का आंसर आएगा, सर इसको डिस्कवर्ड किया गया था ईस्ट में। फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किया गया था ईस्ट में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस एंजाइम का नाम फर्मेंटिव एंजाइम था, जिसे आप जाइमेस के नाम से जानते हैं। पहली बार जाइमेस के नाम से जानते हैं। और क्रिस्टलाइन फॉर्म में यूरिएस को डिस्कवर्ड किया गया था, यह भी याद रखिएगा। हु डिस्कवर्ड को एंजाइम, इसमें से कौन था, कौन वैज्ञानिक थे जिन्होंने डिस्कवर्ड किया था को एंजाइम को? हु डिस्कवर्ड को एंजाइम्स, को एंजाइम्स को किसने डिस्कवर किया था? उम्मीद करता हूं कि आप सभी का आंसर आ रहा होगा, जेम्स सुमनर। तो आप कहेंगे नो सर, इन्होंने तो कूने, नो सर, बुकनर, नो सर। आपका आंसर आएगा सर इसको डिस्कवर्ड किया था लिपमैन ने। किसने डिस्कवर्ड किया था? को एंजाइम को डिस्कवर्ड किया था लिपमैन नामक वैज्ञानिक ने। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेयर हाफ आप जानते हैं, पारनास, मेयर हाफ, ये आपके ग्लाइकोलाइसिस से संबंधित हैं। और उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बातें आप सभी लोगों को बेहतरीन तरीके से क्लियर है। और जाइमेस को एंजाइम में पहली बार टर्म एंजाइम जो दिया था, टर्म जाइमेस किसने दिया था? ये बुकनर साहब थे जिन्होंने टर्म जाइमेस यूज किया था। टर्म जाइमेस ईस्ट में पाया जाने वाला एंजाइम जो था, उसको पहली बार टर्म जाइमेस किसने दिया था? आप बताएंगे सर टर्म जाइमेस दिया था बुकनर नामक ने, बुकनर साहब ने। और जो आपका यूरिएज एंजाइम था, इस यूरिएज एंजाइम को क्रिस्टलाइन फॉर्म में जैक बीन से किसने प्रोड्यूस किया था? तो आप बताएंगे सर जैक बीन से प्रोड्यूस किया था हमारे सुमनर साहब ने। और मेयर हाफ आपके वहां से जुड़े हैं, ग्लाइकोलाइसिस से।
और फ्रिट्ज लैंपमैन जो थे, फ्रिट्ज लिपमैन जो थे, इन्होंने को एंजाइम को डिस्कवर किया था। उम्मीद करते हैं यहां तक की बातें आप सभी लोगों को बेहतरीन तरीके से क्लियर टू ऑल। अनुरोध कुमार जी, कुलदीप गंगवार जी, शिव प्रसाद जी, अनीता यादव जी, निकिता जी, क्लियर। अंकिता मौर्या जी, अभिषेक सिंह जी, शिव प्रसाद जी, अनुकृति जी, मनीष चौरसिया जी, बिंदुसार जी, उम्मीद करते हैं सभी लोगों के यहां तक के पॉइंट क्लियर। दोस्तों 10 क्वेश्चन के बाद हम लोग चलते हैं 11 क्वेश्चन पर, लेकिन उससे पहले एक इंफॉर्मेशन है आप लोग के लिए। आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड हो, ऑल ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड फॉर फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन, यू कैन अटेंड द क्लास एग्जाम ओरिएंटेड। फॉर दिस क्लास यू कैन व्हाट्सएप मी एट दिस नंबर। इस क्लास के लिए आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। दिस क्लास डिमांड्स 5 लेक्चर्स पर डे एट लाइव मोड। इस क्लास में हर रोज 5 लेक्चर लाइव मोड में होते हैं, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंफॉर्मेटिव फॉर योर एग्जामिनेशन। मंडे टू फ्राइडे वी लर्न अबाउट थ्योरी टॉपिक्स एंड सैटरडे एंड संडे वी ऑल डिस्कस अबाउट एमसीक्यूज। द एमसीक्यूज आर बेस्ड ऑन योर मंडे टू फ्राइडे क्लासेस। मॉर्निंग 2 क्लासेस डिपेंड्स ऑन लोअर बॉटनी एंड प्लांट फिजियोलॉजी, इट विल डिस्कस्ड ऑन सैटरडे एट 9:30 AM एंड नॉन कॉर्डेट्स एंड प्लांट एम्ब्रियोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, ऑल 3 क्लासेस आर डिस्कस्ड ऑन संडे एट 7:30 PM। इट्स योर रूटीन क्लासेस, इट इज नॉट एक्स्ट्रा क्लासेस। तो ऑल ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड फॉर द एग्जामिनेशन एंड फॉर योर स्टडी, ओनली सीरियस कैंडिडेट हु कैन लर्न 5 to 6 आवर्स विद द बायो जंक्शंस या विद द योर कोचिंग इंस्टीट्यूट, यू शुड ज्वाइन द क्लास एट द प्लेटफॉर्म नंबर द बायो एंड सिविल जंक्शंस एट व्हाट्सएप नंबर 8756703588। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यहां तक की बातें बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं क्वेश्चन में कि एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, जो एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज इज, अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज का एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कौन है जो इसके एक्शन को रोक सकता है, इसमें से कौन है? आप सभी का आंसर आएगा इसमें से मैलोनेट है। मैलोनेट एक ऐसा एंजाइम है जो इसके एक्शन को क्या कर सकता है, इनहिबिट कर सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के रखिएगा। तो अभी तो आपको यह पता चला कि एक एंजाइम दूसरे एंजाइम के फंक्शन को रोक सकता है, एब्सोल्यूटली रोक सकता है। एक एंजाइम एक ही फंक्शन को परफॉर्म करता है, एंजाइम चेंज होते ही आपके प्रोडक्ट चेंज हो जाते हैं। और तो और की इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर किसी रिएक्शन में, अगर कोई रिएक्शन है, मानिए समझिए जानिए, अगर आपने एक रिएक्शन कराई H2O प्लस CO2 और आपके पास बना बाइकार्बोनेट H2CO3, अगर आपके पास ये बाइकार्बोनेट बना, आपने एंजाइम नहीं यूज किया, तो ये कितना बनेगा, ये 2000 मॉलिक्यूल बनेगा। अगर आपने एंजाइम नहीं यूज किया, आप अच्छे हैं, एंजाइम को यूज नहीं करना चाहते, एंजाइम यूज नहीं करेंगे, ये 2000 मॉलिक्यूल बनेगा। और अगर आपने एंजाइम यूज किया, अगर आपने एंजाइम को यूज किया, तो ये आपके बनेंगे, आप बताएंगे 20 लाख मॉलिक्यूल बनेंगे। कितने बनेंगे, 20 लाख मॉलिक्यूल बनेंगे। इसका मतलब एंजाइम जो होता है इनके ओवरटर्न नंबर को बढ़ा देता है, और ओवरटर्न नंबर जब बढ़ता है तो चीजें बहुत ही दुरुस्त हो जाती हैं। ओवरटर्न नंबर बढ़ाने वाला एंजाइम कौन सा है, क्या आप बता सकते हैं कि मैक्सिमम ओवरटर्न देने वाला एंजाइम कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो रेट में चेंज हुआ, मतलब विदाउट एंजाइम 2000 मॉलिक्यूल बनते H2CO3 के, अगर आप इसमें एंजाइम यूज कर देते तो 20 लाख मॉलिक्यूल बनते। मतलब इसे हम लोग कहते हैं टर्नओवर नंबर ऑफ एंजाइम्स,
ये टर्न ओवर नंबर ऑफ एंजाइम कहलाता है या ओवर टर्न नंबर ऑफ एंजाइम कहलाता है। आपने देखा ना 2000 से सीधे 20 लाख, कितनी तेजी से, कितने प्रोग्रेसिव मोड में एंजाइम फंक्शन करता है। अगर आप तेजी और इसके प्रोग्रेसिव मोड को समझें तो आपको लगेगा कि सबसे ज्यादा, जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है, जिसका सबसे ज्यादा क्या होता है, जिसका सबसे ज्यादा टर्नओवर होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम कहते हैं। याद रखना नाम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, ये एंजाइम आरबीसी में पाया जाता है, ये एंजाइम आरबीसी के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम कहां पाया जाता है, ये आरबीसी में पाया जाता है और ये आरबीसी के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। सबसे ज्यादा टर्नओवर नंबर इसी एंजाइम का होता है, टर्नओवर नंबर सबसे ज्यादा। कभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज्यादा टर्नओवर नंबर किस एंजाइम का होता है, तो आप सभी का आंसर आना चाहिए कि सबसे ज्यादा टर्नओवर नंबर इसी एंजाइम का होता है जो आरबीसी में पाया जाता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहलाता है। क्लियर टू ऑल, सभी लोगों को क्लियर? अगर क्लियर तो एक बार थम्ब अप करें, और जो लोग क्लास में देर से जुड़े हैं सभी लोग लाइक की बटन को प्रेस करें और अपने लाइव और लाइक को इक्वल करें, फास्ट एंड फास्ट, डोंट लेट। जी बिंदुसार जी, अभिषेक गिरी जी, शरद कुमार जी, उपासना जी, अनुरोध कुमार जी, सैंडी जी, मधुरिमा जी, त्रिषा जी, अर्चना जी, अंकिता मौर्य जी, अभिषेक जी, कंचन जी, मनोज कुमार जी, उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों को यहां तक की बातें बेहतरीन तरीके से क्लियर। आइए दोस्तों आगे की ओर मूव करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। एन एग्जाम्पल ऑफ फीडबैक इनहिबिटर, फीडबैक इनहिबिटर का एग्जाम्पल क्या है, टेल मी फास्ट, फीडबैक इनहिबिटर का एग्जाम्पल क्या है, और उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों का बेहतरीन आंसर आना चाहिए। फीडबैक इनहिबिटर का एग्जाम्पल क्या है, एन एग्जाम्पल ऑफ फीडबैक इनहिबिशन, फीडबैक इनहिबिशन का एग्जाम्पल क्या है, साइनाइड एक्शन ऑन साइटोक्रोम, ये फीडबैक का नहीं है, सल्फा ड्रग ऑन फोलिक एसिड सिंथेसाइजर बैक्टीरिया, एलोएस्टेरिक इनहिबिशन ऑफ हेक्सोकाइनेज बाय ग्लूकोज 6-फास्फेट, या रिएक्शन बिटवीन सक्सुनिक डिहाइड्रोजिनेज एंड सक्सुनेट, द इनहिबिशन ऑफ सक्सुनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मैलोनेट। तो आप बताएंगे ये जो सक्सुनिक डिहाइड्रोजिनेज की एक्टिविटी को ये क्या करता है, मैलोनेट क्या कर देता है, मैलोनेट इसको रोक देता है, कंपिटिटिव इनहिबिटर है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। साइनाइड एक्शन ऑन साइटोक्रोम, ये आंसर नहीं होगा। सल्फा ड्रग, ये भी नहीं होगा। आपका करेक्ट आंसर आएगा एलोएस्टेरिक इनहिबिशन। ये जो एलोएस्टेरिक इनहिबिशन है हेक्सोकाइनेज का ग्लूकोज 6-फास्फेट पर, इसे फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं। आपसे कभी भी पूछा जाए फीडबैक इनहिबिशन तो आपका आंसर बी आएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। 12 का सी नहीं, 12 का बी। क्लियर, यहां से कंफर्म कर लीजिए, कभी भी यहां से गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये क्या कहलाता है, ये आपका सी, सॉरी सी आंसर है, सॉरी सॉरी सॉरी, हमने देखा नहीं, मैं सोचा बी है। सभी लोग, जितने लोग सी आंसर कर रहे हैं सभी लोगों के आंसर सही है। जी अफसाना अंसारी जी, समझ नहीं आया, ये क्लास में समझ आएगा, जब आप क्लास में रहोगी तो अपने आप से बताओगी यस सर समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर। इन प्लांट्स एंजाइम आर प्रेजेंट, अब हमको आपके स्क्रीनशॉट पर आना है, देखते हैं आप में से कितने लोग इसका करेक्ट आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर डाल करके आंसर करिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन आंसर डाल के करिएगा, और हमें सबका चेक करना है। जी इन प्लांट्स एंजाइम आर प्रेजेंट, प्लांट्स में एंजाइम कहां प्रेजेंट होते हैं, ओनली इन फ्लावर्स, ओनली इन लीव्स, इन ऑल द लिविंग सेल्स ऑफ प्लांट बॉडी, ओनली इन पैरेन्काइमा, और हमें सभी का आंसर चाहिए, और सभी के आंसर आने शुरू हो गए हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड, एक्सीलेंट। जी कोई आंसर मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है जिसका नाम लिया जाए, क्योंकि आप जानते हैं नाम दो ही लोगों का लिया जाता है, अगर ज्यादा लोग अच्छे हैं तो बुरे को ढूंढा जाता है, और ज्यादा लोग बुरे हैं तो अच्छे को ढूंढा जाता है, लेकिन यहां पर तो पूरी काया पलट गई है, सभी लोग अच्छे हैं। हाउ पॉसिबल, पॉसिबल है सर, क्योंकि पिछले एक साल से तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल सही,
इन ऑल द लिविंग सेल्स ऑफ प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी की जितनी भी लिविंग सेल्स होती हैं सभी में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. वेरी गुड, एक्सीलेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन, द मॉलिक्यूल्स दैट आर वेल रिकॉग्नाइज्ड एज बायोकैटलिस्ट, कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा, उम्मीद है कि इसका भी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही आएगा. आई होप सो. द मॉलिक्यूल्स दैट आर वेल रिकॉग्नाइज्ड एज बायोकैटलिस्ट, जिसको वेल रिकॉग्नाइज किया जाता है बायोकैटलिस्ट की तरह, एडिशन टू एंजाइम आर, जिसको एंजाइम में ऐड करते हैं, एडिशन करते हैं, वो कौन है? पॉलीसेक्राइड, फैटी एसिड, आरएनएस, नन ऑफ दीज. और मुझे पता है कि आप सभी लोग एक तरफ से आंसर कर रहे होंगे बेहतरीन तरीके से, सी इज द राइट आंसर. देखिए कुछ लोग तो यूपेट वर्ड वाले लिख दे रहे हैं आरएनएस, सोनम राजपूत जी ए लिख दी है, नवीन वर्मा जी सुधर जाइए, क्या लिखे हैं? ए, अच्छा सी लिखे हैं, बहुत अच्छे, गुड. और आरती राजपूत जी, लगभग सभी लोगों का सही आंसर है जी, बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, आरएनएज इज द राइट आंसर. कौन सा सही आंसर हो जाएगा? और सभी लोगों का आंसर आ रहा होगा, आरएनएज इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन, एंजाइम्स आर पॉलीमर्स ऑफ, एंजाइम किसके पॉलीमर्स होते हैं? एंजाइम्स आर द पॉलीमर्स ऑफ हेक्सोस कार्बन के, फैटी एसिड के, अमीनो एसिड्स के, इनऑर्गेनिक फास्फेट के. जब देखिए तब बनाते थे एंजाइम, ये देखो लॉन्ग चेन, कहते थे ये एन टर्मिनल है और ये सी टर्मिनल है, इसके बीच में कौन लगता था? इसके बीच में लगता था आर वन, आर टू, आर थ्री, ये कौन थे? ये सब थे आपके अमीनो एसिड. क्या थे? अमीनो एसिड. और सबका आंसर आ रहा होगा अमीनो एसिड. क्या आंसर आ रहा है? अमीनो एसिड. बहुत अच्छे, वेरी गुड, एक्सीलेंट. क्या आंसर आ रहा है? अमीनो एसिड इज द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? All enzymes are protein, all enzymes are biocatalyst, all proteins are enzyme, all enzymes are thermolabile. कौन सा गलत है जी? उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों का बेहतरीन आंसर आएगा. कौन सा गलत है ये हम सभी लोग पकड़ लेंगे, फटाफट बताने की कोशिश करिएगा जी. लगभग सभी लोगों ने आंसर किया सी गलत है सर, हम लोगों ने पढ़ा था all enzymes are protein, हम लोगों ने तो ये पढ़ा था कि all enzymes are protein. किसने बताया था हम लोगों को? सुमनर साहब ने बताया था कि all enzymes are protein. सुमनर साहब ने बताया था कि all enzymes are protein और all enzymes are biocatalyst. ये भी हम लोग पढ़े थे लेकिन कभी नहीं पढ़ा कि all proteins are enzyme. This is wrong. This is wrong. All enzymes are thermolabile. ये भी याद रखना कि सभी एंजाइम्स जो होते हैं वो टेम्परेचर के आधार पर काम करते हैं. टेम्परेचर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर एंजाइम्स. एंजाइम्स के लिए टेम्परेचर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. कैसे निभाता है आइए देखते हैं. टेम्परेचर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसके लिए? आप बताएंगे सर, टेम्परेचर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसके लिए? तो आप लोग बताएंगे एंजाइम के लिए. थोड़ा सा कॉपी पेन उठा लीजिएगा. टेम्परेचर का क्या रोल है, क्या रोल प्ले करता है ये टेम्परेचर? तो आप बताएंगे इट्स रोल इज वेरी इजी. टेम्परेचर एनसीईआरटी के साथ चिल्ला चिल्ला के कहता है एवरी एंजाइम. टेम्परेचर एनसीईआरटी के साथ चिल्ला चिल्ला के कहता है एवरी एंजाइम्स, प्रत्येक एंजाइम वर्क्स एट, प्रत्येक एंजाइम वर्क्स एट पर्टिकुलर टेम्परेचर. जितने एंजाइम होते हैं वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर काम करते हैं. ये खुला शब्द में कहता है ओपन, मतलब चेस्मोगैमस फ्लावर की तरह ये भी ओपन चैलेंज करता है. क्या चैलेंज करता है? ये कहता है कि जितने एंजाइम्स होते हैं ये सभी एंजाइम्स पर्टिकुलर टेम्परेचर पर काम करते हैं, चेस्मोगैमस की तरह. टेम्परेचर एट विच, और फिर आगे कहता है कि टेम्परेचर एट विच, ऐसा टेम्परेचर जिस पर,
temperature at which enzyme acts maximally, टेम्परेचर जिस पर एंजाइम मैक्सिमली काम करता है, एक्स मैक्सिमली काम करता है, कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। दोस्तों इट विल बी योर क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन, ये एग्जामिनेशन में आपका क्वेश्चन हो सकता है कि द टेम्परेचर एट विच एंजाइम्स एक्ट मैक्सिमली, वो टेम्परेचर क्या है जिस पर एंजाइम मैक्सिमली काम करता है, उसे हम लोग बोलते हैं कि इस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, इस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। व्हाट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर, कोई आपसे कभी पूछे कि व्हाट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर, आपके मुंह से फ्लुएंटली आंसर निकलना चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच एंजाइम्स वर्क्स मैक्सिमली। ऑप्टिमम टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर एंजाइम मैक्सिमली वर्क करता है। ह्यूमन बॉडी की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट अस, आपकी भी अपनी भी अगर हम बात करें तो आप बताएंगे सर हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और एंजाइम जो होता है इस 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इस ऑप्टिमम टेम्परेचर पर प्रॉपरली काम करता है। जब हम बीमार होते हैं तो हमें बुखार होता है तो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करके 10 बढ़ जाए, मतलब 37 से 47 हो जाए, तो हमारे एंजाइम का जो वर्क होता है, जो रेट होता है, वो रेट 10% जो एंजाइम का रेट होता है 10 बढ़ने पर हाफ रेट से बढ़ता है। मतलब जो एंजाइम आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रॉपर वे में काम कर रहा था, आपको बुखार होने पर प्रॉपर वे में काम नहीं करता, जिससे आपकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी बिगड़ जाती है, ना तो आपका खाने का मन करता है, ना तो कुछ सोचने का मन करता है, बस चुपचाप लेटे रहने का मन करता है। इसीलिए जब आपको बुखार आता है तो अगर मम्मी पूछ लेती है बेटा खाओगे, बेटी खाओगे, तो आपका पारा आसमान हो जाता है। गलती आपकी नहीं है, गलती टेम्परेचर की नहीं है, गलती किसकी है, एंजाइम की। ये एंजाइम लेजी हो जाता है। आप दोस्तों अच्छा खासा नहा धो करके तैयार होइए, और जाते समय क्या हो, केवल आपके पास कार हो, बाहर निकलिए वो भी पंचर हो, फिर क्या होगा, नो एनी कन्वेंस, कोई कन्वेंस नहीं है, नो फोन कॉल्स, तो आपका मन क्या होगा, फिर से आप लौट के जाएंगे, चद्दर ओढ़ के सो जाएंगे। सेम कंडीशन एंजाइम के साथ होती है। अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर बढ़ा, बुखार हुआ, उस कंडीशन में आपका जो एंजाइम एक्टिविटी है, रेट ऑफ एक्टिविटी है, वो हाफ हो जाती है। जैसे आपका एंजाइम 100% काम कर रहा था, अब 50% काम करेगा। कुछ बात समझे, अब वो 50% काम करेगा, लेकिन अगर आपका टेम्परेचर कम होता बॉडी का, 37% से 27% आ जाता, तब भी आपकी तबीयत खराब थी, लोग छूते कहते ठंडा होता जा रहा है, और कहीं और ठंडा हो जाते तो लोग प्लान करने लगते शमशान घाट। तो 37 से 27 डिग्री टेम्परेचर आया, जब 10 डिग्री टेम्परेचर घटा, तब भी एंजाइम की जो एक्टिविटी रेट थी वो हाफ हो गई। मतलब जो एंजाइम 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रॉपरली काम कर रहा था, अब 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाफ रेट से काम करेगा। एक बार सोचो कि अगर आप कहीं काम करो, आप सरकारी पीजीटी टीजीटी टीचर हो गए, और सरकार ने कहा जो 10 दिन तक नहीं आएगा उसका जो है सैलरी हाफ कर दिया जाएगा, कोई गोला मारेगा? नो, नेवर, क्योंकि 10 दिन में हाफ हो जाता है। सेम कंडीशन समझिए, 37 डिग्री ऑप्टिमम टेम्परेचर है, अगर ऑप्टिमम से 10 डिग्री बढ़ेगा तो रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी हाफ हो जाएगी, अगर 10 घटेगा तो रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी हाफ हो जाएगी। लेकिन जब आप बीमार हो गए थे, बुखार आ गया था, और जब आप अच्छे हुए तो 37, फिर वो 47 से कितना आ गया, 37 डिग्री आ गया। जब 47 डिग्री से 37 डिग्री टेम्परेचर आता है तो आपकी भूख डबल हो जाती है। कभी कभी कुछ लोग बीमार होके अच्छे होते हैं तो इतना खाना शुरू कर देते हैं कि घर में लोग ताजुब करते हैं कि ये जब से अच्छा हुआ है बहुत खाता है, बहुत खाती है। वो आपकी गलती नहीं है,
जब 47 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ तो एंजाइम की एक्टिविटी डबल हो जाती है. दिस इज द मेन कॉज, दिस इज द मेन रीजन, यही मेन कारण है जिसके कारण आप क्या करते हैं, डबल एनर्जी लेना शुरू कर देते हैं. एक अच्छी बात और समझ में आई होगी कि यस सर ये बात बिल्कुल परफेक्ट है. और ऐसे ही जब आप बहुत ठंडे हो रहे थे 27 डिग्री था, अब 27 डिग्री से जब बढ़कर फिर 37 डिग्री होगा तो एंजाइम की जो एक्टिविटी रेट होगी वो डबल हो जाएगी. मतलब ये कुछ समझ आया? बिल्कुल समझना चाहिए क्लियरली कि ऑप्टिमम टेम्परेचर पर एंजाइम प्रॉपरली काम करता है, 100% काम करता है. लेकिन जब 10 डिग्री बढ़ता है तो एंजाइम की एक्टिविटी का रेट हाफ हो जाता है. याद रखना, जब घटता है तब भी हाफ हो जाता है. मतलब समझिए एक ग्राफ प्लॉट करते हैं. देखिए एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, इस ग्राफ को समझिए और उम्मीद करते हैं कि सभी को समझ में आएगा. एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. अगर हम इधर आपसे बता दें कि दोस्त ये क्या है, एंजाइम एक्टिविटी है. ये एंजाइम एक्टिविटी है, क्या बता रही है, एंजाइम एक्टिविटी. और ये क्या बता रहा है, ये टेम्परेचर, ये टेम्परेचर बता रहा है. और आपके बॉडी का ये खड़ा है पुरुष, इसके बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना है, इसके बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है, आप बताएंगे सर इसकी बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड. कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है, 37. मतलब यहां पर हम मान ले कि ये क्या है, 37 ऑप्टिमम टेम्परेचर है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड. अब आप एक जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपको ग्राफ 37 डिग्री सेंटीग्रेड ये दिख रहा है. अब जब आप यहां पर एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपको क्या दिखता है, आपको दिखता है 37 डिग्री ऑप्टिमम टेम्परेचर है और ये नीचे का टेम्परेचर और ये आगे का टेम्परेचर है. अगर इस व्यक्ति का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये एंजाइम प्रॉपरली काम कर रहा है. लेकिन अगर इसके बॉडी का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाए और 47 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो एंजाइम की जो रेट ऑफ वर्किंग है, एंजाइम की जो रेट ऑफ वर्किंग है, जो एंजाइम की एक्टिविटी है, अगर 47 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम क्या होगा, तो आप बताएंगे सर एक्टिविटी ऑफ एंजाइम हाफ रेट का हो जाएगा. रेट क्या होगा, हाफ रेट का हो जाएगा. याद आया, एंजाइम ऑफ एक्टिविटी क्या हो जाएगी, हाफ रेट की हो जाएगी. और अगर ये टेम्परेचर 37 से 27 आ जाए, 27 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाए तब भी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, हाफ रेट की हो जाएगी. उम्मीद करते हैं ये पॉइंट समझ में आया. सभी लोग बताने की कोशिश करिएगा, क्लियर टू ऑल आर नॉट. जी बताइएगा, हाफ हो जाएगा, क्लियर जी. एंजाइम एक्टिविटी रिड्यूसेस टू हाफ, एंजाइम एक्टिविटी क्या हो जाएगी, हाफ रिड्यूस हो जाएगी. आगे चलिए, जब ये व्यक्ति अच्छा हो गया और ये 47 से फिर 37 आएगा तो एंजाइम एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, याद रखना. और जब ये 27 से कहां आ जाएगा, 37 आ जाएगा, तब भी ये क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी. अब आपसे पूछा जाए एंजाइम एक्टिविटी का ग्राफ कैसा प्लॉट होता है, तो आप बताएंगे सर ये बेल शेप्ड होता है. ये कैसा है, ये बेल शेप्ड ग्राफ प्लॉट होता है. आपसे कभी पूछा जाए एंजाइम एक्टिविटी का ग्राफ कैसा प्लॉट होता है, तो आपका आंसर हमेशा लगेगा सर ये बेल शेप्ड प्लॉट होता है. कैसे प्लॉट होता है दोस्तों, ये बेल शेप्ड हमेशा प्लॉट होता है, बेल शेप्ड ग्राफ होता है. कुछ बातें समझ में आई, उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों का मामला यहां तक का क्लियर हुआ. यहां तक का मामला सभी लोगों का क्लियर हुआ कि 10 डिग्री टेम्परेचर पर, 10 डिग्री टेम्परेचर पर जो एक्टिविटी रेट है, रेट ऑफ एक्टिविटी है, रेट ऑफ एक्टिविटी, रेट ऑफ एक्टिविटी जो होती है वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है. क्या हो जाती है, डबल हो जाती है. उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों का मामला यहां पर समझ में आया होगा. क्लियर टू ऑल आर नॉट, टेल मी फास्ट, क्लियर जी. बेल शेप्ड हो जाता है. जी उम्मीद करते हैं अनुरोध कुमार जी समझ में आ रहा होगा, शिव प्रसाद जी, नीता पांडे जी, भीम सिंह जी, गिरीश कुमार जी, सौरभ मौर्या जी, कंचन मिश्रा जी, सैंडी जी, जितेंद्र शुक्ला जी,
उपासना चौहान जी, सोनम राजपूत जी, सलोनी गुप्ता जी, उम्मीद करते हैं कि यहां तक की बातें आप सभी लोगों की एक ऑप्टिमम टेम्परेचर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर लिखिएगा बिलो 10 डिग्री। अगर हम लोग बात करें बिलो 10 डिग्री सेंटीग्रेड, अब हम लोग दो कॉन्सेप्ट सीख लें, यहां से काम होगा। बिलो 10 डिग्री की बात करें, जब बिलो 10 डिग्री की बात करते हैं तो आंसर क्या आएगा, एंजाइम एक्टिविटी। जब बिलो 10 डिग्री की बात करेंगे तो एंजाइम एक्टिविटी पर क्या असर पड़ेगा, एंजाइम एक्टिविटी पर क्या असर पड़ेगा, आप बताएंगे एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। क्या करेगी, एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों का यहां तक का मामला क्लियर। इन दिस कंडीशन एंजाइम इज लेस एक्टिव, इन दिस कंडीशन एंजाइम इज लेस एक्टिव, कंडीशन एंजाइम इज लेस एक्टिव, एंजाइम कैसा हो जाएगा, लेस एक्टिव हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को यहां तक का मामला क्लियर, एंजाइम क्या होगा, लेस एक्टिव। आपसे पूछा जाए कि बिलो 10 डिग्री क्या होगा तो आप बताएंगे एंजाइम डिस्ट्रॉय नहीं होगा, एंजाइम लेस एक्टिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप बताते हैं इसकी एक्टिविटी रेट क्या हो जाएगी, इसकी एक्टिविटी रेट हाफ हो जाएगी, इसकी एक्टिविटी रेट क्या हो जाएगी, इसकी एक्टिविटी रेट हाफ हो जाएगी। क्लियर टू ऑल आर नॉट, सभी लोगों को क्लियर या नहीं? जी सीमा राहुल जी गुड इवनिंग। लेस एक्टिव हो जाएगा लेकिन ध्यान रखना डिस्ट्रॉय नहीं होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा, लेस एक्टिव हो जाएगा। अब आपसे कोई कहे एबव अगर हम करें एबव 50 डिग्री, अगर ये हो जाए एबव 50 डिग्री, 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाए तब क्या होगा, आप बताएंगे एंजाइम का जो सबस्ट्रेट है अगर 50 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, एंजाइम का जो सबस्ट्रेट है, एंजाइम सबस्ट्रेट, जो एंजाइम का सबस्ट्रेट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और दोस्तों जब एंजाइम का सबस्ट्रेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो एंजाइम का एक्टिव साइट क्या होगा, डीनेचर हो जाएगा। एंजाइम एक्टिव साइट, एंजाइम का एक्टिव साइट क्या होगा, एक्टिव साइट डीनेचर हो जाएगा। और आप कहेंगे हमारा एंजाइम क्या हो गया, एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। आपसे कभी पूछा जाए तो आप बताएंगे एंजाइम डीनेचर हो गया और ऐसे एंजाइम को कहा जाता है इनएक्टिव हो गया, अब ये काम नहीं करेगा। एंजाइम इनएक्टिव कब होता है, एंजाइम इनएक्टिव होता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बाद। एंजाइम डीनेचर कब होता है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बाद। क्लियर, उम्मीद करते हैं यहां तक की बातें आप सभी लोगों को बेहतरीन तरीके से क्लियर। आइए चलते हैं, तो ये था आपके स्टेटमेंट का सही आंसर, CAMP मेडिकेटेड, सी कैस्केड मॉडल ऑफ एंजाइम रेगुलेशन वाज प्रपोज्ड बाय, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहे हैं कि CAMP मीडिएटेड कैस्केड मॉडल ऑफ एंजाइम रेगुलेशन वाज प्रपोज्ड बाय, इस रेगुलेशन को किसने प्रपोज किया था, बताने की कोशिश करिएगा। जी बताने की कोशिश करिएगा, क्लियर, उम्मीद करते हैं कि यहां तक का मामला आप सभी लोगों का क्लियर होना चाहिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। और मुझे पता है आप सभी लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा होगा कि इसको कैस्केड मॉडल को प्रस्तुत किया था सदरलैंड नामक वैज्ञानिक ने, किसने प्रपोज किया था, सदरलैंड नामक वैज्ञानिक ने इसे प्रपोज किया था, सदरलैंड नामक वैज्ञानिक ने इसे प्रपोज किया था, एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। इसमें से कौन है जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, बताने की कोशिश करिएगा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कौन सा है। अगर आपसे पूछा जाता कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कौन सा है तो आपका ऑप्शन लगता ए, क्या ऑप्शन लगता ए। अगर आपसे पूछा जाता कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कौन करता है तो आप आंसर करते ए, लेकिन आपसे पूछा है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कौन करता है। यहीं से आप लोगों को सीख ले लेना चाहिए कि अगर हमसे पूछेगा कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कौन करता है तो हम लोग याद रखेंगे कि ये सक्सुनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनेट, ये सही होगा। लेकिन यहां पूछा है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन पूछा है तो नॉन कॉम्पिटिटिव में याद रखिएगा साइनाइड एक्शन ऑन साइटोक्रोम ऑक्सीडाइज, साइटोक्रोम ऑक्सीडाइज पर जो साइनाइड का एक्शन होता है
उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इज, यही है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा, आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर टू ऑल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। और याद रखना है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। एंजाइम्स आर एब्सेंट इन, बताने की कोशिश करिएगा कि ये एंजाइम किसमें एब्सेंट होते हैं। टेल मी फास्ट, बताने की कोशिश करिएगा कि एंजाइम्स किसमें एब्सेंट होते हैं। क्लियर? उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों का सही आंसर आएगा। और इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है, इस क्वेश्चन में तो लगभग सभी लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए। इस क्वेश्चन में लगभग सभी लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए। एंजाइम्स आर एब्सेंट इन, एंजाइम किसमें एब्सेंट होते हैं? एल्गा में, फंजाई में, एल्गा में, फंजाई में, बैक्टीरिया में, या फिर वायरस में? सभी का आंसर आ रहा होगा एंजाइम्स आर एब्सेंट इन वायरस। एंजाइम किसमें एब्सेंट होते हैं? सभी एंजाइम वायरस में एब्सेंट होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि किसी भी का आंसर ये गलत नहीं आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीडबैक इनहिबिशन ऑफ एंजाइम इज अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहे कि जो एंजाइम इनहिबिशन का फीडबैक होता है, फीडबैक इनहिबिशन ऑफ एंजाइम्स, जो फीडबैक इनहिबिशन होता है एंजाइम्स का, इज अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन इसे अफेक्ट करता है? हमेशा फीडबैक को अफेक्ट कौन करेगा? तो आपने अगर कॉन्सेप्ट को कल समझा था तो हमने कहा था एंजाइम जुड़ता है सबस्ट्रेट से, एंजाइम डॉट सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर उसके बाद ये बनता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, फिर उसके बाद बनता है एंजाइम डॉट प्रोडक्ट बनता है। तो ये जो बनता है ये एंड प्रोडक्ट है। क्या है? एंड प्रोडक्ट है। और फीडबैक इनहिबिशन को हमेशा कौन डिसाइड करता है? यही एंड प्रोडक्ट डिसाइड करता है। और इसका सही आंसर होगा एंड प्रोडक्ट। कौन डिसाइड करता है? एंड प्रोडक्ट डिसाइड करता है। और जितने लोगों ने आंसर किया होगा एंड प्रोडक्ट, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट। जितने लोगों ने आंसर किया होगा एंड प्रोडक्ट, सभी लोगों का आंसर 100% करेक्ट। कल हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा था, जितने डीप में जाकर के हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं वो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आसान सा क्वेश्चन आएगा तो मुझे पूरी तरीके से पता है कि आप सभी लोग आंसर कर लोगे, और थोड़ा सा क्वेश्चन टफ होगा तो आप सभी लोग नहीं कर पाओगे, इसलिए हम लेवल पर चल रहे हैं कि आप बेहतरीन तरीके से कर सको। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेहतरीन तरीके से पढ़ने की कोशिश करें। नॉन प्रोटीनिशियस एंजाइम दैट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इज। कह रहे हैं कि कौन सा नॉन प्रोटीनिशियस एंजाइम है? आप देखते ही आप समझ गए होंगे कि इसमें से कौन सा हो सकता है, और आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, और सभी लोगों का आंसर बेहतरीन तरीके से हिट में चल रहा होगा। देखिए सब लोगों का आंसर वेरी गुड, एक्सीलेंट। आप सभी लोग इसी तरीके से प्रिपरेशन करते रहें, सच में बहुत अच्छा होगा, सच में बहुत अच्छा होगा कि आपने क्वेश्चन देखा, केवल ऊपर का हिस्सा पढ़ करके ही आपने टिक कर दिया। कह रहे हैं कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, दिस स्टेटमेंट इज नाउ मॉडिफाइड बिकॉज एन अपरेंट एक्सेप्शन टू दिस बायोलॉजिकल ट्रुथ। कह रहे हैं कि जो ये कहा गया कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, अब तो ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि राइबोजाइम इज अ एंजाइम विच इज नॉट प्रोटीन। राइबोजाइम एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन नहीं होता है, ये आरएनएज होता है। तो आप सभी को यहां तक की चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी। आई होप सो कि आप सभी लोग बेहतर तरीके से इसे कर लेंगे। दोस्तों, ऑल यू नो अबाउट टीजीटी पीजीटी एलटी बायोलॉजी फ्रेश न्यू बैच स्टार्टेड एट योर प्लेटफॉर्म द बायो एंड सिविल जंक्शन। ऑल ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड फॉर दिस बैच एग्जाम ओरिएंटेड कैन व्हाट्सएप मी एट दिस नंबर एंड टेक डिटेल्स ऑफ द बैच। दिस बैच डिमांड्स ए लॉट ऑफ क्लासेस फॉर देयर कंप्लीशन इन योर एग्जामिनेशन। इन योर एग्जामिनेशन विच हैज ओनली 100 डेज लेफ्ट, आफ्टर दैट योर एग्जाम विल बी हेल्ड।
आपका एग्जाम हो सकता है. फॉर दिस प्रिपरेशन आई हैव स्टार्टेड एग्जाम ओरिएंटेड बैच इन विच वी आर गिविंग यू प्रोवाइडिंग यू 5 क्लासेस डेली ऑन लाइव मोड. ऑन दिस लाइव मोड यू स्टार्ट योर क्लास एट 9:30 AM लोअर बॉटनी, 11:10 AM प्लांट फिजियोलॉजी एंड 5:40 PM नॉन कॉर्डेट एंड 7:10 प्लांट एम्ब्रियोलॉजी एंड 8:30 द क्लास विल बी बायो मॉलिक्यूल्स. ऑल ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड फॉर दिस क्लासेस कैन ज्वाइन अस एट दिस व्हाट्सएप नंबर एंड सेंड मी टू राइट ज्वाइन TGT, PGT, LT बायोलॉजी. आई विल रिस्पॉन्ड यू इमीडिएटली. द एडमिशन प्रोसेस टेक्स टिल 1 AM इन नाइट. आपके एडमिशन की प्रक्रिया रात के 1 बजे तक चलती है. दोस्तों, इस क्लास के माध्यम से हमने आपको टेम्परेचर का एंजाइम पर क्या इफेक्ट होता है हमने उसे सिखाया और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को और बातें क्लियरली समझ में आई होंगी. और ये भी उम्मीद करते हैं कि अब ये समय है आपके रिवीजन का. यू शुड ट्राई योर बेस्ट रिवीजन इन योर हाउस. द मोर यू रिवाइज द कोर्सेस यू फील बेटर एट योर एग्जामिनेशन. आपके द्वारा किया गया एक एक प्रैक्टिस कल आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा. बायोलॉजी इज अ इजीएस्ट सब्जेक्ट. इट डिमांड्स 3 things टू यू ऑफ ऑल कंपटीशन या ऑफ ऑल एग्जामिनेशन. बायोलॉजी इजीएस्ट सब्जेक्ट होता है. ये कंपटीटर से 3 चीज डिमांड करता है. फर्स्ट डिमांड्स डायग्राम एंड थ्योरी नॉलेज. पहला आपसे डायग्राम और थ्योरी नॉलेज को डिमांड करता है. सेकेंड डिमांड्स प्रैक्टिस एंड रिवीजन. दूसरा आपसे डिमांड करता है कि प्रैक्टिस करो और रिवीजन करो. थर्ड डिमांड्स मोर प्रैक्टिस ऑन MCQs. MCQs पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो. जिनके अंदर ये 3 गुण होते हैं वो हमेशा सक्सेस होते हैं. कंप्यूटर अंकल उन्हें कांग्रेचुलेशंस लिखते हैं जब वो अपना रोल नंबर एंट्री करते हैं. दोस्तों, आज से इन्हीं 3 फार्मूले पर आपको चलना है, क्योंकि मैं पिछले 2 महीने से इसी फार्मूले पर, यहां तक कि कह दीजिए कि हमेशा से आपको इसी फार्मूले पर लेकर चल रहा हूं. हम आपको थ्योरी बेसिस पर स्टडी कराते हैं, आपसे हर रोज प्रैक्टिस करने की गुजारिश करते हैं. सैटरडे और संडे आते ही MCQs लेकर चले आते हैं. इसका मतलब बायोलॉजी के जो जरूरतें हैं वो हम सभी लोग पूरा कर रहे हैं. आप में से जो लोग भी पूरा नहीं कर रहे हैं, जो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, रिवीजन नहीं कर रहे हैं, सैटरडे संडे की क्लास नहीं देख रहे हैं, वो लोग सिर्फ अपना नहीं, अपने माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, अजीजदार, चाहने वालों को सबका दिल तोड़ रहे हैं, सबको दुख में डाल रहे हैं. इसलिए हम नहीं चाहते कि आपको किसी तरीके का दुख झेलना पड़े. आप सभी लोग मुझसे वादा करेंगे, आप अपने अंदर एनर्जी को कम नहीं होने देंगे और लगातार हर रोज एनर्जी को बढ़ाते जाएंगे और रिवाइज 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 मोर रिवीजन. सभी को ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है और जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे एग्जामिनेशन में उतना बेहतर फील करेंगे. ऑल आर यू रेडी आर नॉट, टेल मी फास्ट. आप सभी लोग रेडी हैं या नहीं? आई होप all of you are ready. ओके, टूडे आई एंड माई क्लास बाई ग्रीट यू. गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू.